ओम साई राम। मैं अंकित तिवारी आपका इकोनॉमी की क्लास में स्वागत करता हूं। आप सभी बच्चों को पता था कि हम कैसे तुर्क आक्रमणकारियों को देख रहे थे और पहला इसका आक्रमण जो महमूद गजनवी के समय हुआ था वो हमने पूरा देख लिया था। इसके बाद हमारे पास दूसरा तुर्क आक्रमणकारी जिसने भारत को बहुत गहराई से प्रभावित किया। अभी तक भारत का वो हिस्सा ही सिर्फ गया था जो पंजाब तक का था, लेकिन अब वो आक्रमणकारी आएगा भारत में जो वास्तव में भारत के उत्तरी भाग को पूरी तरह से जीत लेगा। यानी अब भारत का उत्तरी भाग जीता जाएगा और वो कैसे जीता जाएगा उसको आपको समझना है। तो आपको हेडिंग डाल लेनी है, मोहम्मद गोरी, और इसके बारे में आपको देखना है। मोहम्मद गौरी के बारे में आपको देखना है कैसे इसने भारत पर आक्रमण किया और इसका आक्रमण करने का कैसा क्रम रहा वो आपको देखना है। मोहम्मद गौरी के आक्रमण को समझने से पहले जैसे हमने गजनवी के एक तरह से बैकग्राउंड को समझा था, जरा इसके बैकग्राउंड को आप समझ लीजिए। इसका बैकग्राउंड आप जब देखेंगे तो ये संसबनी वंश से रिलेटेड था। कई जगह इसे संस बनी भी वंश लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये वास्तव में वही वंश था जिससे ये गौरी संबंधित था। ये जो वंश था संस बनी वंश, ये ईरान से आया हुआ था। यानी यहां आपको देखना है ये ईरान से आया, यानी ये वंश जो था मूलतः ईरान का रहने वाला वंश। ईरान पर जब इस वंश के बहुत सारे वंशज हो गए, यानी शमसवनी वंश के बहुत सारे एक तरह से उत्तराधिकारी हो गए, तो इसके दो राजकुमार जिनके नाम आपको याद रखने हैं, गयासुद्दीन और दूसरा शहाबुद्दीन, ये दोनों वो राजकुमार थे जो इस ईरान के शमसवनी वंश या शमसबनी वंश से भाग कर कहां आ गए थे, गजनी। ये शमसबनी वंश जब गजनी आया तो यहाँ पर महमूद गजनवी के कमजोर उत्तराधिकारी थे, यानी अक्षम लोग थे, उनको इसने पराजित कर दिया। यानी इस वंश ने गजनी पर अधिकार जमा लिया। और ये अधिकार जमाया किसने, ईरान से रहने आने वाले शमसबनी वंश ने। इसके दो राजकुमार जो शमसबनी वंश था, जिनको आप करण अर्जुन भी वर्तमान यानी इस युग का कह सकते हैं, इनको आप गयासुद्दीन और दूसरे को शहाबुद्दीन नाम से जाना गया। तो ये वो दो राजकुमार थे जो इस राजवंश यानी जो ईरान का शमसबनी वंश था उससे आए हुए गजनी पर अधिकार कर लेते हैं। गयासुद्दीन बड़ा भाई था और शहाबुद्दीन छोटा भाई था। दोनों इस युग के करण अर्जुन इसलिए कहे गए कि इतनी मित्रता थी कि दोनों ने गद्दी गजनी की लेने से मतलब तुरंत लेने के तुरंत बाद समझौता कर लिया कि हे बड़े भैया तुम गजनी पर राज करो, यानी इसको दे दिया गजनी की गद्दी और कहा कि अब आपकी इस गजनी की गद्दी की चारों ओर से सुरक्षा प्रदान हो सके, इसलिए मैं अगल बगल के क्षेत्रों को जीतूंगा और आपको और मजबूती प्रदान करूंगा। तो गजनी की सेना लेकर ये शहाबुद्दीन, जिसका पूरा नाम आपको याद रखना है, इसका पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था। याद रखेंगे कई बार पेपर में पूछा गया शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम किसका नाम है, तो यही वो नाम है जिसे मोहम्मद गौरी कहा गया है। याद रखेंगे मोहम्मद गौरी कहा गया है। ये मोहम्मद गौरी जिसे शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन शाम के नाम से जाना जाता था, ये वास्तव में शमसबनी वंश से संबंधित था। ये ईरान से आया हुआ एक वंश था। जब इसके बहुत सारे उत्तराधिकारी हो गए तो इन्होंने कहा कि अब ईरान में हमें रहने से कोई फायदा नहीं, हमें उत्तराधिकार के युद्ध करने पड़ेंगे और अपने ही वंशजों को मारना काटना पड़ेगा। तो इस कारण ये दोनों भाग कर गजनी की एक कमजोर सत्ता पर अधिकार कर लेते हैं। और यहाँ पर आने के बाद इन्होंने प्लान बनाया
गयासुद्दीन ने एक तरह से गद्दी संभाली गजनी की और शहाबुद्दीन ने कहा कि हम अगल बगल के क्षेत्रों को जीतेंगे। इस्लाम को मानने वाले तुर्क आक्रमणकारी इसी क्रम में भारत पर आक्रमण करते हैं, क्योंकि इसके पहले जब गजनी पर इन्होंने आक्रमण किया तो वहाँ गजनवी के वंशज राज कर रहे थे। इनको लगा कि गजनवी ने जब भारत को जीत लिया है और हमने गजनवी के वंशजों को जीत लिया है तो हम भी भारत को जीत सकते हैं। इस क्रम में शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम ने अपनी सेना तैयार की, अपनी फौज तैयार की और भारत पर प्रवेश करने की एक रणनीति बनाई। ये भारत पर इसके किस प्रकार से आक्रमण हुए, भारत को इसने कैसे जीता, क्या इसकी रणनीति रही, उसको आपको समझना है। जरा देखेंगे ये शहाबुद्दीन जो मोहम्मद बिन साम था, जब ये भारत पर आक्रमण करने की रणनीति बनाता है तो ये भी जैसे गजनवी भारत के उत्तर पूर्वी भाग से प्रवेश करता है तो उसी तरह ये भी भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग से ही प्रवेश करने की कोशिश करता है। गौर से समझेंगे कैसे प्रवेश करता है। प्रवेश करने की इसकी रणनीति ये रही कि इसने भारत के सबसे पहले मुल्तान और उच्च क्षेत्र को जीता। ये सब आपको अरब आक्रमणकारियों के समय बताया गया था कि सिंध जो था वो आगे चल करके दो भागों में बट गया था, मुल्तान और उच्च। पहला आक्रमण इसका गोरी का जो हुआ वो 1175 में, 1175 में गोरी ने 1175 में गौरी ने मुल्तान और उच्च क्या कर लिए, जीत लिए। अब इसका हौसला हो गया बुलंद, इसने इस क्षेत्र को जीतने के बाद अपने भाई को बताया कि देखो मैं अपनी पहली विजय करके आ गया भारत के क्षेत्र की, जो मुल्तान और उच्च के नाम से जाना जाने वाला सिंध क्षेत्र है मैंने उसको जीत लिया। और 1175 में वो ये युद्ध जीत लेता है। इसके बाद याद रखेंगे इस समय मुल्तान और उच्च पर शिया राज्य चल रहा था, ये दो शिया छोटे छोटे राज्य थे और इनको इसने जीत लिया था, ये शिया राज्य होते थे। तो सबसे पहले इस्लाम की एक शाखा जो सुन्नी मत को मानने वाला एक तरह से गौरी था, उसने शिया मत के मानने वाले अपने ही भाइयों को जीत लिया, मुल्तान और उच्च के क्षेत्र को। इसके बाद क्या हुआ, अच्छा शिया सुन्नी का जो फर्क है वो आपको एक पॉइंट में समझा दे रहा हूँ। शिया और सुन्नी, क्योंकि ये विवाद हर एक समय हर समय चलता रहा। जिस समय इस्लाम का एक तरह से प्रभाव जमा, इस्लाम एक तरह से बड़ा हुआ धीरे धीरे, इसकी एक तरह से फला फूला, वैसे इसका विवाद भी ये बढ़ता चला गया। शिया मत को मानने वाले जो मोहम्मद साहब थे उनके नाती जो थे, जिनको आप सभी जानते हैं, हुसैन और हसन, ये मोहम्मद साहब के नवासी कहे जाते थे, नाती। आपको जब मैंने इस्लाम का प्रभाव पढ़ाया था तो उसमें शुरू के चार खलीफाओं के बारे में बताया था, उन्हीं में से आपको अंतिम खलीफा जो थे, शुरू के चारों में से अंतिम खलीफा अली थे। अली इनके मोहम्मद साहब के दामाद भी थे और उन्हीं के पुत्र हुसैन और हसन जो थे वो मोहम्मद साहब के नवासी बने, यानी अली जो दामाद थे, दामाद का पुत्र आपका नाती नवासी ही होता है, आप सभी जानते हैं। तो शिया मत को उन्होंने ही आगे चलकर प्रमोट किया, क्योंकि ये बहुत उदार किस्म के व्यक्ति थे, मोहम्मद साहब की गोद में हसन और हुसैन खेले थे, इसलिए ये वास्तव में मोहम्मद साहब के वंशज के रूप में गद्दी पर बैठे थे। तो एक मत कहने लगा कि मोहम्मद साहब के वंशज को गद्दी मिले, उनके किसी अपने करीबी को गद्दी मिले, इसलिए बहुत सारे लोगों ने शिया मत को मान्यता दे दी, कहा कि तुम हुसैन और हसन मोहम्मद साहब के एक तरह से वंशज हो, तुम ही गद्दी संभालो। लेकिन दूसरा पक्ष कहता था कि मोहम्मद साहब का जो योग्य उत्तराधिकारी हो, चाहे वो कोई भी हो, उसे ही गद्दी मिले। और इस क्रम में अबू बकर को गद्दी दी गई, अबू बकर को गद्दी दी गई और इसके अनुयायियों को सुन्नी मत के तहत पहचाना गया। ये थोड़ा कट्टर किस्म का एक तरह से होता है, क्योंकि इसकी कट्टरता आपको शरीयत के द्वारा देखने को मिलेगी, लेकिन जो शिया मत के लोग होते हैं ये थोड़ा उदार होते हैं। आप सभी ने अभी अयोध्या विवाद को देखा होगा,
जो सिया वक्फ बोर्ड था वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि राम मंदिर बनाओ क्योंकि ये मेरे जो पूर्वज हैं उनकी जमीन है और मैं सिया मत को मानने वाला हूँ, मैं आदेश देता हूँ कि मंदिर बनाओ। लेकिन कट्टर सुन्नी वक्फ बोर्ड जो था वो मानने को तैयार ही नहीं था कि ये यहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए। आखिर में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उस फैसले के बाद से ही मंदिर का एक तरह से विवाद खत्म हो गया। तो ये सिया सुन्नी विवाद था जिसको आप इतिहास में कई बार सुनेंगे। मैं इसको हटाए दे रहा हूं, ये आपके लिए समझना थोड़ा जरूरी था। यहां पर जब सिया राज्य जो छोटे छोटे दो आए, यानी गौरी का पहला सामना अपने ही एक तरह से भाइयों से हो गया और उसने क्या किया, मुल्तान और उच्छ को 1175 में जीत लिया। उसका हौसला और बुलंद हो गया, उसने बिना सोचे समझे भारत के किसी और भाग पर आक्रमण करने के बजाय उसने भारत पर आक्रमण किया 1178 में गुजरात पर। गुजरात पर आक्रमण कर दिया और गुजरात पर जैसे ही उसने आक्रमण कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि गुजरात में ही सोमनाथ मंदिर है और मंदिर में बहुत सारा धन है, गजनवी लूट कर ले गया था, हम भी लूटेंगे। लेकिन वो भूल गया कि इस समय एक अल्पवयस्क ही सही भीम द्वितीय नाम का राजा राज कर रहा है जिसका एक नाम मूल राज द्वितीय भी है। गौर से समझना प्रश्न, इस पर भी कई बार पूछे गए हैं, अभी कैसे पूछे गए वो आपको समझना है। भीम द्वितीय राज कर रहा था, ये अल्पवयस्क था, इसने अपनी सारी शक्तियां अपनी माता नाइक देवी को दे रखी थी। जो माता नाइक देवी थी ना वो बहुत ही बहादुर राजपूत महिला थी, याद रखेंगे। नाइक देवी को जैसे ही लगा कि गौरी अब मानेगा नहीं, वो आक्रमण करने के लिए गुजरात पर आ ही रहा है, इन्होंने सारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली और आगे चल करके गौरी को एक तरह से ऐसा युद्ध में उलझा दिया कि गौरी इस युद्ध में फंस गया और नाइक देवी ने उसे पकड़ लिया, बंदी बना लिया। यानी ऐसा पहला युद्ध गौरी का जिसमें गौरी को पराजय मिली। गौर से समझेंगे, नाइक देवी ने गौरी को बंदी बना लिया। गौरी को बंदी बना लिया और जैसे ही गौरी को बंदी बनाया, गौरी नाइक देवी के आगे घुटनों के बल खड़ा हो गया, कहने लगा, हे देवी, मैं आपको वरदान देता हूँ, आपको वचन देता हूँ कि आपके राज्य पे कभी आक्रमण नहीं करूँगा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं तो एक ऐसा इंसान हूँ जिसे मेरे भाई ने मुझे इस क्षेत्र पर आक्रमण करने का आदेश दिया था, वो बहुत ही कट्टर किस्म का व्यक्ति है, वो मानता ही नहीं है मेरी, एक मुझे युद्ध में झोंकते ही रहता है, मैं खुद ही परेशान हूँ। यानी उसने एक दिमाग लगाया यहाँ पर किसी भी तरह से नाइक देवी को पिघला लिया जाए और इनसे क्षमा पा ली जाए। और ऐसा हुआ भी, नाइक देवी ने इस गौरी को क्षमा कर दिया, उससे वचनबंध करवाया, उसे कुरान की कसम खिलाई गई कि अब नाइक देवी के खिलाफ या गुजरात पर वो कभी आक्रमण नहीं करेगा। गौरी ने ऐसा वचन देकर के अपने जो एक तरह से अभियान था उसका मार्ग बदल लिया। यानी गौरी यहां से एक तरह से बच गया। जो गौरी था उसे यहां से क्या है हो गया, गौरी यहां से मुक्त कर दिया गया। यानी एक ऐसा युद्ध जिसमें गौरी पराजित भी हुआ और आगे चल करके वो मुक्त भी हो गया, यानी बच गया। कितना चतुर दिमाग का यह तुर्क रहा होगा जो वास्तव में यहाँ से एक युद्ध में हारने के बाद भी बच गया। मूल राज द्वितीय का राज गुजरात सुरक्षित रहा, नाइक देवी की प्रतिष्ठा और बढ़ गई क्योंकि इन्होंने एक ऐसे तुर्क आक्रमणकारियों को छोड़ दिया जिसने वास्तव में उनके खिलाफ युद्ध लड़ने की कोशिश की थी। नाइक देवी की प्रतिष्ठा चरम पर हो गई और इस युद्ध के बाद से ही गौरी ने अपने आक्रमण का मार्ग बदल लिया। यानी आक्रमण का मार्ग अब गौरी का बदल गया। पूछा जाता है, किस युद्ध के बाद गौरी ने अपने आक्रमण का मार्ग बदल लिया? तो आपको याद रखना है, गुजरात के युद्ध के बाद गौरी के आक्रमण का मार्ग बदल गया। उसने 1100 याद रखेंगे वर्ष 1181 में लाहौर पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। यानी लाहौर जीत लिया कब, 1181 में, लेकिन 1178 में 3 वर्ष पहले इतनी बुरी तरह से वो हारा था कि उसकी हिम्मत ही नहीं दोबारा गुजरात पे आक्रमण करने की। वो भारत के इस बीच वाले हिस्से से छूट करके, आपको अगर छोटे से मैप में दिखाया जाए तो ये कुछ गुजरात पड़ेगा, ऐसे आगे चल करके भारत का मैप,
इधर आपको ये जो आपका भारत का जो पूर्वी हिस्सा है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ से वो आया था गुजरात में प्रवेश करने के लिए, लेकिन यहाँ नाइक देवी ने उसे इतना बुरे तरीके से पराजित किया कि वो इस हिस्से से नहीं आया। उसने अपने आक्रमण का मार्ग बदल लिया और वो आता किधर से है, अब डर डर के ऊपर से आता है और उसने लाहौर पर अधिकार कर लिया। और लाहौर जो इस समय याद रखेंगे, लाहौर पर गजनवी का आखिरी वंशज, गजनवी का आखिरी वंशज कौन था? वंशज खुसरो था, याद रखेंगे। गजनवी का आखिरी वंशज खुसरो शाह जिसका नाम था वो राज कर रहा था। खुसरो शाह जब 1181 में गजनवी का आखिरी वंशज राज कर रहा था, उसी समय गौरी ने आक्रमण किया और लाहौर को जीत लिया। खुसरो शाह ने इस युद्ध के पहले ही पृथ्वीराज चौहान को एक चिट्ठी लिखकर भेजी। पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप सभी जानते हैं, जो यहाँ दिल्ली के राजा हुआ करते थे। इनके साथ ही एक शब्द जुड़ा था, पृथ्वीराज चौहान या चौहान। इनके रियासत क्षेत्र में बहुत बड़ी एक सेना थी इनके पास। खुसरो ने जैसे ही संदेशा भेजा कि पृथ्वीराज तुम हमारी मदद करो, क्यों मदद करो? क्योंकि भारत पर एक बाहरी आक्रमणकारी ने आक्रमण किया है। हम भी इस समय भारत के ही राजा कहे जाएंगे क्योंकि भारत क्षेत्र पर राज कर रहे हैं, इसकी जनता की सेवा कर रहे हैं। खुसरो शाह ने बहुत बड़ी बात कह दी कि हम भारत की एक जनता की सेवा कर रहे हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान इसकी बातों से नहीं माने, बात कुछ बन नहीं पाई, जिस कारण खुसरो शाह की इन्होंने मदद नहीं की। आगे चल करके जब पृथ्वीराज चौहान के ही किले पर जब गौरी आक्रमण कर लेता है यानी अधिकार कर लेता है, तब पृथ्वीराज चौहान की आंखें खुलती हैं कि अगर हमने खुसरो की मदद करके गजनवी को पहले, गौरी को पहले ही पराजित कर दिया होता तो हम गौरी से आज युद्ध नहीं करने वाले होते। लेकिन खैर कोई बात नहीं, पृथ्वीराज चौहान भी अपने घमंड में चूर थे। उनको किस तरह से गौरी से सामना करना पड़ा वो आपको अभी आगे देखने को मिलेगा। लेकिन ये याद रखना, गुजरात अभियान के बाद उसने अपने आक्रमण का जो मार्ग था वो बदल लिया। 1181 में उसने लाहौर यानी उत्तरी भाग को जीता और यहाँ पर गजनवी का आखिरी वंशज खुसरो शाह राज कर रहा था। इसको पराजित करने के बाद इस क्षेत्र पर गौरी का अधिकार हो गया। याद रखेंगे इस युद्ध के दौरान ही खुसरो शाह ने पृथ्वीराज को एक पत्र लिखा था कि तुम बाहरी आक्रमणकारी से मेरी मदद करो। ये प्रश्न पूछा गया है कि किस अभियान के दौरान खुसरो शाह ने, याद रखेंगे, पृथ्वीराज चौहान को चिट्ठी लिखी थी। तो याद रखना 1181 के लाहौर अभियान के समय ये पत्र लिखा गया था। इसके बाद क्या था, पृथ्वीराज चौहान अब गौरी के एक तरह से सीमा क्षेत्र से जुड़ने लगे थे, क्योंकि लाहौर से पृथ्वीराज का क्षेत्र अब एक तरह से सीमावर्ती क्षेत्र जुड़ने लगा था। यानी अब सीमाएँ पृथ्वीराज की और गौरी का जो क्षेत्र जीता हुआ था उससे मिल गई। अब टक्कर तो होनी थी क्योंकि गौरी भी एक तुर्क आक्रमणकारी, उसको भी भारत पर अधिक से अधिक राज्य चाहिए था, क्षेत्र चाहिए था, और पृथ्वीराज चौहान भी एक चहमान राजा जो किसी के आगे सिर नहीं झुकाते थे। अब जरा सुनिएगा, बात तो तब फंस गई जब पृथ्वीराज के क्षेत्र भटिंडा के किले पर गौरी ने अधिकार कर लिया। अब गौर फरमाइएगा, क्योंकि ये वो क्षेत्र था जो भारत की मुख्य भूमि कहा जाता था। अब देखेंगे गौर से, पृथ्वीराज वर्सेस गौरी, इनके बीच में कुल दो युद्ध हुए जिनको 1191, अभी पूरे चर्चा करेंगे इन पे, 1192 के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये तराइन का पहला युद्ध था और ये तराइन का दूसरा युद्ध था, इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले कुछ चीज़ें समझ लीजिए, वो चीज़ें क्या थी जरा देखेंगे उन चीज़ों को। वो चीज़ें ये थी कि जब पृथ्वीराज के क्षेत्र में गौरी ने अधिकार किया, ये विवाद तब बढ़ गया 1191 में, भटिंडा का जो किला है, भटिंडा वर्तमान में पंजाब में पड़ता है, गौर से समझेंगे, यानी पंजाब के किले पर लाहौर तक गौरी की सेनाओं का अधिकार, यानी लाहौर के क्षेत्र में गौरी ने वैसे ही खुसरो शाह से जीत लिया जो गजनवी का आखिरी वंशज था, और भटिंडा के किले पर यानी पंजाब पर जो था वो पृथ्वीराज चौहान का राज चलता था। सीमाएं एक दूसरे से जुड़ गई और इस जुड़ने के कारण गौरी को मौका मिल गया और उसने भटिंडा के किले पर अधिकार कर लिया। ये भटिंडा का जो किला था इस पर गौरी का अधिकार हो गया। अब पृथ्वीराज चौहान
गौरी ने अधिकार कर लिया। जब इसने अधिकार कर लिया तो पृथ्वीराज चौहान को ये बात नागवार गुजरी कि वास्तव में जिस क्षेत्र पर हमारा अधिकार है, जो हमारा क्षेत्र है, गौरी को इतना भी डर नहीं है कि वो भारत के राजा से टक्कर लेने वाला है, क्योंकि पृथ्वीराज इस समय भारत के सबसे बहादुर राजा थे, सबसे शक्तिशाली राजा थे। यानी अब गौरी का सामना होगा भारत के सबसे शक्तिशाली राजवंश से, जो चौहान राजवंश के नाम से जाना जाता था। भले उनमें कुछ कमियां रहीं, लेकिन वास्तव में इस समय सबसे बहादुर, सबसे शक्तिशाली थे, तो ये कहा जाएगा। गौरी ने जब अधिकार कर लिया तो पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेनाएं उतार दी और ये सेनाएं तराइन के मैदान में आ गईं। तराइन के मैदान में गौरी की भी सेना आ गई और पृथ्वीराज की भी सेना आ गई। दोनों की सेनाओं के बीच में अब युद्ध होने वाला है और ये जो तराइन के मैदान में युद्ध हुआ, वो पहला युद्ध 1191 के नाम से जाना गया। इस युद्ध में याद रखेंगे, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में ये युद्ध चल रहा था। इस युद्ध के पहले ही गौरी ने अपनी पूरी रणनीति तय कर रखी थी कि कैसे पृथ्वीराज चौहान के किले को, भटिंडा को कैद किया जाएगा, उस पर अधिकार किया जाएगा और पृथ्वीराज चौहान को विवश किया जाएगा कि तुम हमसे संधि करो या फिर हमसे युद्ध करो। लेकिन पृथ्वीराज चौहान चौहान राजा थे, पूरे जोश में चल रहे थे, पूरी ताकत, पूरी शक्तियाँ इनके पास थी। इन्होंने युद्ध करने का ऐलान कर दिया 1191 में तराइन की मैदान में, दोनों सेनाएं आमने सामने। अब ये आपको तराइन का मैदान जो 1191 में है उसके दृश्य को देखना है, अगर आपको मजा आ जाए तो कहिएगा। इस तरफ गौरी की सेनाएं, और इधर पृथ्वीराज। गौरी ने युद्ध को लड़ने से पहले बड़ी व्यापक रणनीति बनाई। गौरी ने अपनी सेनाओं के तीन हिस्से बना दिए कुछ इस तरह से। सेना को उसने अपनी तीन हिस्सों में बांट दिया। इस भाग को अगावल कहा जाता था, गौर से सुनेंगे, अगावल। ये हिस्सा बिचावल कहा जाता था और ये हिस्सा पिछावल कहा जाता था, जो पीछे का हिस्सा होता था। गौरी ने अपनी सेना का नेतृत्व तो कुछ इस तरह से किया। गौरी यहां खड़े होकर के, यानी इस बीच वाले भाग से, पूरे युद्ध की रणनीति तय कर रहा था। यहां पर गौरी हुआ करता था। जैसे ही बिचावल वाले क्षेत्र पर गौरी ने पूरी अपनी एक नीति बना करके अपने आप को स्थापित किया, उसने कहा कि अगावल वाला भाग पृथ्वीराज की सेनाओं के आगे से लड़ेगा, सीधे लड़ेगा। बिचावल वाला जो भाग है वो इस अगावल भाग के थकने पर इसको रिप्लेस कर देगा, और इसके बाद जो पिछावल वाला हिस्सा है ना, वो पिछावल वाला हिस्सा दो भागों में बट जाएगा और एक इधर से आक्रमण करेगा, एक इधर से आक्रमण करेगा। ये इन्होंने, गौरी ने रणनीति बना दी। लेकिन रणनीति ये वाली फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्योंकि जैसे ही चौहान सेना का नेतृत्व स्कंद नाम के सेनापति के पास आया, उसने गौरी की रणनीति को भांप लिया। वो समझ गया कि गौरी इसके पहले जब लाहौर अभियान पे आया था तो भी उसने इस सेना को इसी तरह बांट रखा था। उसने क्या किया? उसने पृथ्वीराज को समझाया, अगर पूछा जाता है पृथ्वीराज का सेनापति, तो याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, सेनापति स्कंद था जिस कारण से पृथ्वीराज को विजय मिली। इस स्कंद ने पहले ही रणनीति बना दी थी। उसने कहा सेना जो हमारी है वो तीन भागों में नहीं बटेगी, वो हमारी सेना पांच भागों में बटेगी। कैसे बटेगी? ये अगावल का हिस्सा होगा जो गौरी के अगावल वाले हिस्से से टक्कर लेगा। इसके बाद ये बिचावल का हिस्सा होगा जहाँ चौहान राजा सुरक्षित बैठे रहेंगे, और ये पिछावल का हिस्सा होगा जो वास्तव में सबसे पीछे होगा। इसके बाद में एक हिस्सा जो दायां बाजू कहा जाएगा और दूसरा हिस्सा बायां बाजू होगा, यानी सेना अब पूरे एक चक्रव्यूह की तरह खड़ी हो गई। इस भाग में सेना पृथ्वीराज चौहान की खड़ी और इस भाग में गौरी की सेना खड़ी। अब इन दोनों के बीच में युद्ध होना था। जैसे ही युद्ध का पहला एक डंका बजा, चौहान सैनिकों ने इसके अगावल भाग पर अटैक कर दिया। निर्देश अनुसार स्कंद के जो दायां बाजू था उसके सीधे पीछे भाग पर हमला करता है और बायां बाजू इसके सीधे पीछे भाग पर हमला कर देता है। ये संभल नहीं पाए क्योंकि इनके ऊपर दोनों तरफ से हमला शुरू हो गया। अब ये जाएं तो जाएं कहां, इनके पास सेना भी कम थी, फंस गए जाल में पृथ्वीराज के। और यहां पर आप देखेंगे कैसे अगावल भाग ने जैसे ही गौरी के बिचावल भाग से एक तरह से रिप्लेसमेंट किया, पृथ्वीराज ने भी अपनी सेनाओं का रिप्लेसमेंट करा दिया।
इसके बाद जो पीछे वाला हिस्सा था उसने फिर से सीधे टक्कर दे दी, यानी सेनाओं के दो हिस्से उसके अगावल भाग पर गौरी की पूरी बुरी तरह से पराजय। गौरी जहां छिपा बैठा था वहां पर यह पिछावल की सेना सीधे पहुंची और गौरी को पकड़ लाई। इस पकड़ी हुई गौरी की पूरी टुकड़ी जो थी गौरी के साथ पकड़ी गई थी वो पृथ्वीराज चौहान के सामने प्रस्तुत की गई। पृथ्वीराज चौहान के सामने बंदी बना गौरी लोहे की जंजीरों में बंधा हुआ खड़ा था। पृथ्वीराज के इस पूरे अभियान का नेतृत्व कुछ और भी लोग कर रहे थे, जरा समझेंगे। इस दायां बाजू और बायां बाजू में पृथ्वीराज के दो भाई, याद रखेंगे पृथ्वीराज के भाई जो दो थे, एक का नाम हरिराज था और दूसरे का नाम गोविंदराज था। गोविंदराज, इन दोनों भाइयों ने भी इस युद्ध में भाग लिया था और याद रखेंगे कि दायां बाजू और बायां बाजू के रूप में यही सेनाएं लेकर के पीछे पहुंचे और आगे चल करके गोविंदराज के ही एक भाले से गोविंदराज ने एक ऐसा भाला फेंका कि जा करके गौरी के सीधे लग गया और गौरी बुरी तरह से घायल हो गया था इस युद्ध में। फिर इसके बाद में कहा जाता है हरिराज के बारे में, इन्होंने ही रणथंभौर का जो किला है जो राजस्थान में पड़ता है वो इन्हीं हरिराज ने बनवाया है। रणथंभौर का किला हरिराज द्वारा ही बनवाया गया है और याद रखेंगे ये वही हरिराज हैं जो पृथ्वीराज चौहान के भाई थे। इन्होंने इस युद्ध में भाग लिया और गौरी पकड़ा गया। पकड़ा जाना गौरी का बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। इस युद्ध के बाद गौरी वैसे ही खून से लथपथ था। लथपथ खून से गौरी को देखते ही पृथ्वीराज चौहान पिघल गए। पृथ्वीराज ने क्या कर दिया, गौरी को शर्तों के साथ क्षमा दे दी। ये भारतीय राजाओं की सबसे बड़ी कमी थी। जैसे ही क्षमा मिली गौरी को, गौरी रोते 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 पहुंचा अपने भाई गयासुद्दीन के पास। गयासुद्दीन जैसे ही इसको देखता है गौरी को, वो इसके गम में शोक में डूब करके एक तरह से बहुत विलाप करता है, रोता है। उसने गौरी को बहुत समझाया कि गौरी तुम इस युद्ध में सिर्फ हारे नहीं हो बल्कि बहुत सारी सीख लेकर के आए हो। अब तुम्हें इंतजार करना चाहिए, अब पृथ्वीराज के सामने तुम्हें लड़ने से पहले पृथ्वीराज के बारे में और चीज़ों को समझना होगा और पृथ्वीराज को तब तुम जीत सकते हो। तो गौरी वास्तव में भारतीय राजाओं की तरह तो था नहीं, जैसे हम लोग होते ना, अगर एक एग्ज़ाम क्लियर हो गया पास हो गए या एक एग्ज़ाम देकर आए फेल हो गए तो हम चुपचाप बैठ गए। गौरी एक एग्ज़ाम देकर के आया था, कब, नाइक देवी के खिलाफ 1178 में, चुपचाप नहीं बैठा। उसने प्रयास किया, मेहनत की, अध्ययन किया, जबरदस्त तरीके से अगले एग्जाम में बैठा और 1181 में लाहौर को खुसरो शाह से जीत लेता है। यही हाल उसका अब होने वाला है पृथ्वीराज चौहान से। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई वो जरूर हारा लेकिन उसने मेहनत नहीं छोड़ी और उसने अगले वर्ष फिर से एग्जाम दिया। यानी पृथ्वीराज के इस क्षमादान के बाद गौरी तराइन में फिर आता है, यानी तराइन का अगर आप दूसरा युद्ध देखें, तराइन का दूसरा युद्ध जो 1192 में लड़ा गया, इस समय की कुछ घटनाएं बदल चुकी थीं। पृथ्वीराज चौहान भी अंदरूनी मामलों में उलझ चुके थे जिस कारण पृथ्वीराज की हार हुई। लेकिन जरा देखेंगे तराइन के युद्ध में जब फिर से गौरी आता है तो उसने दोबारा से क्या किया, उसने दोबारा से भटिंडे के किले पर अधिकार कर लिया। यानी भटिंडा का किला गौरी के लिए एक विवाद बनाने का मुद्दा बन गया। भटिंडा के किले पर फिर से अधिकार कर लिया, इसी से विवाद फिर से शुरू हो गया। ये भटिंडा का किला जैसे ही गौरी के पास आया, गौरी ने एक तरह से पृथ्वीराज को चुनौती दे दी। पृथ्वीराज ने कहा कि तुम वापस लौट जाओ, पिछले युद्ध में तुम्हारी कितनी बुरी तरह से पराजय हुई थी, तुम्हारी जान बड़ी मुश्किल से बची है, तुम भाग जाओ नहीं तो तुम्हें हम इस बार छोड़ेंगे नहीं। गौरी समझ चुका था कि पृथ्वीराज कई अंदरूनी मामलों में से उलझा हुआ है। जैसे आपको समझना है वो मालवा के क्षेत्र के राजा, मालवा और बुंदेलखंड के परमार राजा जो हुआ करते थे उनसे उलझ चुका है। साथ ही साथ वो एक तरह से अपने ही बगल के जो गुजरात के राजा हैं उनसे भी युद्ध कर चुका है। तीसरा अभियान उसका गौरी से होगा, यानी उसकी सेनाएं तीनों क्या हो गई, तीन हिस्सों में बट गई। इसके बाद उसका मामला बहुत ही बिगड़ता चला गया। उसने आगे चल करके जयचंद से भी युद्ध की एक तरह से रणनीति बना ली, यानी जयचंद से भी उसका एक तरह से मुकाबला हो गया। आप सब
आप सभी को जैसे बताया गया कि जयचंद से जब उसका एक तरह से पृथ्वीराज का युद्ध हो गया, आप सभी ने कहानी सुनी होगी। जयचंद जो थे, इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम संयोगिता था। इस संयोगिता के चक्कर में पृथ्वीराज चौहान का जयचंद से विवाद हो गया। संयोगिता पृथ्वीराज चौहान का एक तरह से प्रेम एक तरह से चलता था। पृथ्वीराज चौहान को जब लगा कि जयचंद जबरदस्ती संयोगिता की शादी करना चाहते हैं, तो पृथ्वीराज चौहान जयचंद के दरबार में जाते हैं और संयोगिता का एक तरह से हरण कर लेते हैं, यानी उसको उठा लाते हैं और उसे अपनी पत्नी के रूप में बना लेते हैं। तो संयोगिता के कारण जयचंद की बहुत बदनामी हुई। जयचंद ने पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए गौरी को एक तरह से और सहयोग किया। कहा भी जाता है इतिहास में, कहा भी गया, क्योंकि बुंदेलखंड का क्षेत्र था जो गौरी के लिए एक तरह से सहयोगी क्षेत्र बन गया। उन्होंने जैसे ही एक तरह से जयचंद का विवाद सामने आया, तो एक भाग सेना का जयचंद के खिलाफ हो गया, यानी जयचंद के खिलाफ अब उन्होंने मोर्चा खोल लिया। जयचंद भी इनके विरोध में आ गए। तो इस तरह करके पृथ्वीराज चौहान 1192 के युद्ध में कई हिस्सों में अपनी सेनाओं को बांट देते हैं। एक तो हिस्सा गौरी के साथ, दूसरा जयचंद के खिलाफ, तीसरा उनका हिस्सा उसकी बगल की रियासत गुजरात के ही कुछ आक्रमणकारियों के खिलाफ। अब इसकी सेनाएं बढ़ गई। साथ ही साथ स्कंद नाम का सेनापति जो पिछले युद्ध में रहा, उससे भी इस युद्ध में जो पृथ्वीराज थे उससे अनबन हो गई। यानी स्कंद नाम का सेनापति भी, जो पिछले युद्ध का विजयी सेनापति था, वो भी इस बार पृथ्वीराज के साथ नहीं था, जिस कारण पृथ्वीराज की हार तो एक तरह से पहले से ही तय हो गई थी। लेकिन यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है, तराइन का जब दूसरा युद्ध शुरू हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान गौरी के सामने जैसे ही पहुँचे, गौरी की सेनाएँ जेहाद के जोश से भरपूर थीं। गौरी की सेनाओं के सामने पृथ्वीराज एक मिनट भी नहीं टिक सके और आगे चल करके पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई। पृथ्वीराज हार गए। पृथ्वीराज जो थे वो युद्ध में हार गए। तो 1192 का तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, तो पृथ्वीराज इस युद्ध में हार गए। इसकी हार के बाद पृथ्वीराज के विषय में तीन बातें कही जाती हैं, जरा समझेंगे। हार के बाद इसके बारे में कहा जाता है, पहला कथन कहा मिन्हाजुद्दीन सिराज ने, मिन्हाज उद्दीन सिराज ने, इसने कहा है कि पृथ्वीराज को तुरंत मृत्युदंड दे दिया गया। यानी पृथ्वीराज को मृत्युदंड दिया गया। पेपर में इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि किसके अनुसार पृथ्वीराज चौहान को गौरी ने तुरंत मृत्युदंड दे दिया, यानी तुरंत कत्ल कर दिया। तो वास्तव में मिन्हाजुद्दीन सिराज, जिसने तबकात ए नासरी ग्रंथ लिखा है, इसके ग्रंथ को भी आप याद रखेंगे, पिछली क्लास में भी आपने देखा था, तबकात ए नासरी में इसने लिखा है कि पृथ्वीराज को तुरंत मृत्युदंड दे दिया गया। इसके बाद में दूसरा लेखक कहता है, जो ताजुल नासिर का लेखक है, जरा गौर से देखेंगे, हसन निजामी, इसने बताया कि पृथ्वीराज चौहान को तुरंत मृत्युदंड नहीं दिया गया, उन्होंने कुछ दिन अधीन रहकर राज किया गौरी के, यानी गौरी के अधीन राज किया। अधीन राज किया, ये बात किसने कही? ये हसन निजामी ने कही और इसका ग्रंथ है ताज उल नासिर। तो इस ग्रंथ में उसने कहा है, लेकिन इस बात को भी अभी आपको देखना है क्या क्या आपको इसमें समझना है। तीसरा मत आया, तीसरा मत बताया चंद बरदाई ने। चंद बर चंद बरदाई ने तीसरा मत दिया और चंद बरदाई ने कहा कि पृथ्वीराज को गौरी ने क्या किया है? गौरी ने अंधा कर दिया है, यानी पृथ्वीराज को अंधा कर दिया है।
अंधा कर दिया, और अंधा करने के बाद गजनी ले गया। याद रखेंगे, गजनी ले गया। तो ये पृथ्वीराज की हार के बाद यानी दूसरे तराइन के युद्ध के बाद तीन मत सामने आए। लेकिन अब आपको देखना है, चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ में ये विवरण दिए हैं। पृथ्वी राज रासो ग्रंथ की रचना की, पृथ्वीराज रासो यानी पृथ्वीराज चौहान के समय के चंद बरदाई जो कवि थे, जो इतिहासकार थे, उन्होंने अपनी रचना पृथ्वीराज रासो में बताया कि अंधा कर दिया गया है चामान सुल्तान को, चामान राजा को, पृथ्वीराज चौहान को, और इसके बाद गौरी इसे गजनी लेकर के जाता है। तो इसके बारे में जो तीनों मत हैं उनको समझिएगा। मिन्हाजुद्दीन सिराज ने तबकात नासरी में कहा पृथ्वीराज को मृत्युदंड दे दिया गया। तो ये हो सकता है कि ये, क्योंकि आप सभी जानते हैं तुर्क आक्रमणकारी किसी भी राजा को बख्शते नहीं थे, चाहे वो कोई भी रहा हो, वो तुरंत मार देते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि ये राजा अपने क्षेत्र में लोकप्रिय होते हैं और आगे चल करके ये हमारे लिए कंटक बन सकते हैं। तो ये जो बात थी तबकात नासरी में जो लिखी गई, ये सच भी हो सकती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन इसकी प्रामाणिकता जो है वो वास्तव में श्योर नहीं कही जा सकती, क्योंकि जो मिन्हाजुद्दीन सिराज है ना, ये इल्तुतमिश के समय के हैं। इन्होंने सिर्फ एक तरह से अनुवादित ग्रंथों से ये अपने विचार लिखे, तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन दूसरे मत की ओर जब जाते हैं तो हसन निजामी इसी समय के इतिहासकार थे, और उन्होंने कहा कि ताजुल नाशिर नामक ग्रंथ में कि पृथ्वीराज ने कुछ दिन अधीन रहकर राज किया। तो ये बात तो बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती। क्यों नहीं कही जा सकती? क्योंकि पृथ्वीराज जैसे बहादुर राजाओं को गौरी छोड़ देगा, ये तो उम्मीद गौरी से की नहीं जा सकती, क्योंकि वो जानता था कि वो दो बार क्षमा पा करके भी गौरी को एक तरह से पृथ्वीराज के सामने युद्ध करने आया है। एक बार उसने नाइक देवी के खिलाफ क्षमा पाई थी, दूसरा गौरी ने पृथ्वीराज ने उसे क्षमा किया था, लेकिन वो नहीं क्षमा करने वाला। फिर इसके बाद में ऐसा इन्होंने मत इसलिए दिया है हसन निजामी ने, क्योंकि जो गोविंद राज हैं उनका नाम सिक्कों पर कई जगह लिखा हुआ मिला है। याद रखेंगे गौरी के जो सिक्के हैं उनमें लक्ष्मी, नंदी और चाहमान घुड़सवार के साइन मिले हैं। अभी आपको लिखना भी है ये सब। फिर इसके बाद में चंद बरदाई ने बताया पृथ्वीराज रासों में कि उसमें अंधा कर दिया गया है गजनी ले जाकर के पृथ्वीराज चौहान को। तो ये मत तो कतई नहीं माना जा सकता। और आगे चल करके चंद बरदाई कहते हैं कि गौरी की हत्या कर दी थी चामान राजा ने। कैसे की थी? आप सभी को बताया है शब्दवेदी वाण थे। जब पृथ्वीराज चौहान अंधे हो गए तो चंद बरदाई को पता चला, तो वो भी गजनी जाते हैं और गौरी से कहते हैं कि चामान राजा इतने ज़्यादा अच्छे तीरंदाज हैं कि तुम अगर किसी भी बात को बता दोगे निशाना लगाने के लिए तो मार देंगे। तो चामान राजा को आदेश दिया गया कि तुम इस किले की दीवार पर टंगे हुए एक ऐसे पात्र पर निशाना लगाओ जो वास्तव में क्या है, टूट जाए, बहुत छुपा हुआ पात्र है। जैसे अर्जुन ने मारा था मछली की तीर में आँख में तीर, उसी तरह आपको भी लगाना था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान को जो चंद बरदाई था उसने पहले ही समझा दिया था कि मेरे कहे कथनानुसार उतनी दूरी पर ही तुम्हें तीर लगाना है, और आगे चल करके ऐसा ही हुआ। चंद बरदाई के कथनानुसार पृथ्वीराज ने गौरी के ही निशाना लगाकर मार दिया। तो इस तरह करके गौरी की हत्या हो जाती। लेकिन आप सभी ने देखा है कि धाम्यक में गौरी की हत्या की जाती है, खोखरों द्वारा उसकी हत्या की जाती है, जिस कारण ये मत नहीं माना जाता। तो ये मत भी क्या हो गया, झूठा हो गया। लेकिन जो मिन्हाजुद्दीन सिराज का ग्रंथ है तबकात नासरी, इसका जो कथन है वो सच थोड़ा माना जा सकता है, क्योंकि गौरी ऐसी भूल नहीं करेगा। अब इसके बाद में जब पृथ्वीराज की डेथ हो गई तो उसके बाद में पृथ्वीराज के साथ गौरी के सिक्कों पर, याद रखेंगे गौरी के सिक्कों पर क्या क्या मिला है? गौरी के सिक्कों पर लक्ष्मी, इसके साथ ही नंदी और चाहमान घुड़सवार के चिन्ह मिले हैं। चाहमान घुड़सवार के चिन्ह मिले, इसके सिक्कों पर चाहमान घुड़सवार के एक तरह से साइन मिले हैं, और इसके सिक्कों पर एक शब्द लिखा है अव्यक्त मेक मोहम्मद बिन साम। इसको भी आपको याद रखना है, इसको इसके सिक्कों पर यह शब्द पूछा गया है अव्यक्त मेक मोहम्मद बिन शाम। ये जो गौरी के सिक्के मिले हैं उस पर लिखा मिला है,
कि ये वास्तव में अव्यक्त मेक मोहम्मद बिन साम सिक्के के एक तरफ और दूसरी तरफ लक्ष्मी, नंदी और चामान घुड़सवारों के साइन मिले। तो इससे पता चल सकता है कि चामान जो घुड़सवार थे उन्होंने, यानी चामान राजाओं ने कुछ दिन अधीन रहकर राज किया हो, लेकिन ऐसा माना नहीं जाता है। आप सभी जानते हैं कि गौरी इतनी बड़ी भूल नहीं करेगा। तो ये था पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध किया गया गौरी का तराइन का पहला युद्ध और दूसरा युद्ध। इसका निर्णय भी आपको पता है, तराइन के पहले युद्ध में क्या हुआ था, तराइन के पहले युद्ध में गौरी की बुरी तरह से हार हुई थी और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई। फिर इसके बाद में आपको और चीज़ें देखनी है। पृथ्वीराज चौहान का युद्ध जब समाप्त हुआ तो गौरी लौट कर गजनी गया बहुत सारा धन लेकर के, और जितने बार भी वो गजनी वापस जाता था अपना एक सबसे विश्वसनीय गुलाम जो था कुतुबुद्दीन ऐबक उसे दिल्ली की गद्दी देकर जाता था। अब एक तरह से मुख्य भूमि भारत की पृथ्वीराज के पास आ गई थी। तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जो गौरी थी उसके पास ये मुख्य भूमि आ गई थी। अब ये क्या था, अब गौरी के पास भारत का भी एक बड़ा क्षेत्र और गजनी की गद्दी, क्योंकि इस बीच जब 1192 का युद्ध चल रहा था तो इसी बीच में उसके बड़े भाई शहाबुद्दीन की जो एक तरह से गयाशुद्दीन था उसकी मृत्यु भी हो गई थी, यानी इसी युद्ध के समय, ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में गौरी ने अपने अभियान भारत के खिलाफ बंद नहीं किए, उसने 1194 में जयचंद के खिलाफ आक्रमण कर दिया, क्योंकि अब जो सीमाएं थी वो जयचंद के शासन क्षेत्र से लगने लगी थी, जयचंद के शासन क्षेत्र से लगने लगी थी। और इनके साथ इनका चंदावर नाम से एक युद्ध हुआ, चंदावर युद्ध हुआ, चंदावर का युद्ध। और ये जो चंदावर पड़ता है ना, ये चंदावर वर्तमान में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पड़ता है, और ये यमुना, पूरी कहानी आपको पता होना चाहिए, यमुना के तट पर है, फिरोजाबाद में यमुना के तट पर है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे फिरोजाबाद की स्थापना किसने कराई थी, तो याद रखेंगे फिरोज तुगलक ने इसकी स्थापना की थी, फिरोज तुगलक ने। और ये वही फिरोज तुगलक है जिसने नहरों का जाल बनवाया था। तो इसके बारे में एक प्रश्न और याद रखना, नहरों का जाल। प्रैक्टिस वाले बैच में जो बच्चे जुड़े हैं उनको ये सब प्रश्न अच्छे से तैयार होंगे। इसके साथ ही आप सभी को बताया गया था कि ये नहरों का जाल फिरोजाबाद, जो वास्तव में फिरोज तुगलक ने बसाया, उसने नहरों का एक जाल भी बनवाया था। याद रखेंगे फिरोजाबाद में यमुना के तट पर यूपी में चंदावर की जगह पर युद्ध हुआ, जयचंद जो हिंदू राजा हुआ करते थे गौरी से पराजित हो गए, यानी अब वो क्षेत्र जो जयचंद का, यानी एक तरह से यूपी का एक बड़ा हिस्सा इस समय गौरी के पास आ गया था। इसके बाद गौरी की अगली जो विजय थी इसी के समय 1194 में ही, याद रखेंगे 1194 में ही गौरी के गुलाम बख्तियार खिलजी, जिसका पूरा नाम बख्तियार खिलजी था, उसने एक तरह से अभियान किया, किस क्षेत्र का, 1194 में बिहार का। याद रखेंगे एक एक पॉइंट भूलना नहीं है, बिहार का जब अभियान किया तो उसने 1194 में बिहार क्या किया, जीत लिया। और जीता किसने था, याद रखेंगे बख्तियार खिलजी ने, यानी इस गुलाम ने एक तरह से 1194 में बिहार जीत लिया। अब इस गुलाम की एक तरह से और एक तरह से जो प्रशंसा थी वो बढ़ गई, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक था उसी तरह इसको भी बड़ी प्रशंसा मिलने लगी, गौरी का बड़ा प्रशंसनीय विश्वसनीय ऐबक की तरह ये भी बन गया। इसके बाद क्या हुआ, बख्तियार खिलजी ने आगे चल करके, याद रखेंगे 1204 ईस्वी में बंगाल पर अटैक कर दिया। बंगाल जो जीता गया ना, बंगाल जीता, और जीता किसने, बख्तियार खिलजी ने। जीता कैसे था जरा समझिएगा, बंगाल पर इस समय सेन राजवंश का राज चल रहा था, इनके राजा कौन थे, याद रखेंगे लक्ष्मण सेन। ये लक्ष्मण सेन बड़े ही बहादुर राजा माने जाते थे, इस समय ये बहुत ही वृद्ध हो चुके थे, इनकी आयु जो थी 80 वर्ष थी,
जब इनके ऊपर बख्तियार खिलजी ने हमला किया तो इनको पता ही नहीं चल पाया कि बख्तियार खिलजी हमारे ऊपर हमला करने आ रहा है। इसने बख्तियार खिलजी ने एक रणनीति बनाई। इनकी राजधानी लक्ष्मण सेन की जो थी वो थी सोनार गांव, बंगाल में ही पड़ता है सोनार गांव। अभी इसके बारे में आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। सोनार गांव इसकी लक्ष्मण सेन की जो राजधानी थी उसके पास जब बख्तियार खिलजी पहुंचा तो उसने सोनार गांव के सेनापतियों से कहा कि मुझे अंदर जाने दो, मैं घुड़सवार सेना लेकर आया हूँ, घुड़सवारों को लेकर के आया हूँ, घुड़सवार लेकर आया हूँ, घोड़े लेकर के आया हूँ, मैं सिर्फ इन दासों को, इन घोड़ों को बेचने आया हूँ। अगर ये घोड़े और दास बिक गए ना तो मैं तुम्हें एक अच्छा खासा कमीशन दूंगा। उन सेनापतियों ने इस पूरी की पूरी एक तरह से बख्तियार खिलजी की टुकड़ी को अंदर जाने दिया। जब बख्तियार खिलजी की टुकड़ी राजधानी सोनार गांव में प्रवेश कर जाती है और इसके बाद जब उस दरबार में एक तरह से जो महल था उसके अंदर घुसने लगती है लक्ष्मण सेन जिसमें रुका हुआ था, तब सबके कान खड़े हो जाते हैं। अरे ये तो एक युद्ध आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी था जिसके बारे में हमें अंदाजा ही नहीं लगा। लक्ष्मण सेन संभल नहीं पाया और बख्तियार खिलजी ने उसकी एक तरह से राजधानी सोनार गांव पर कब्जा कर लिया। तो ये इतने निश्चिंत राजा हुए लक्ष्मण सेन कि इनको पता ही नहीं चला कि इनके ऊपर बख्तियार खिलजी का अटैक होने वाला है। अब क्या था, अब लक्ष्मण सेन का क्षेत्र जो बंगाल का था वो बख्तियार खिलजी ने जीत लिया। लक्ष्मण सेन बेचारे डरे दुबके हुए अपनी राजधानी बदल लेते हैं। राजधानी इन्होंने बंगाल के सोनार गांव से हटा करके नई राजधानी एक नादिया नाम के जिले में स्थापित कर ली। वर्तमान में ये जिला भी है, नादिया नामक जगह पर ले गए, यानी नादिया नामक एक जगह पर ये अपनी राजधानी शिफ्ट कर लेते हैं। आप सभी को बताया गया था कि मुल्तान से लेकर के एक बहुत बड़ी चीज आपके सामने, बहुत अच्छी अच्छी चीजें, बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। कई सारे शेरशाह सूरी ने रोड्स बनवाए थे, मार्ग बनवाए थे सोनार गांव से लेकर के। कई सारी रोडें आपको पढ़ने को मिलेंगी शेरशाह के समय। सोनार गांव से भी एक रोड बनकर तैयार हुई थी जो वास्तव में आपको शेरशाह सूरी के सूरवंश में देखनी है। इसके बाद याद रखना लक्ष्मण सेन जब पराजित हो गए, इन्हीं के दरबार में, लक्ष्मण सेन के ही दरबार में गीत गोविंद का रचयिता जयदेव रहता था। गीत गोविंद का रचयिता जयदेव रहता था। इस जयदेव ने भी कई सारी बातें लक्ष्मण सेन के बारे में बताई है और इस अभियान के बारे में उल्लेख भी किया है। तो याद रखेंगे ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, गीत गोविंद का रचयिता कौन था, ये किसके दरबार में था, ये वास्तव में किसके दरबार में था। तो आपको याद रखना है सेन राजवंश के लक्ष्मण सेन के दरबार में बंगाल में ये रहता था। और जब गौरी का अभियान हुआ बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में तो ये वास्तव में भाग गया था नादिया। तो याद रखेंगे, तो इस तरह करके बंगाल का अब विजय अभियान 1204 और 5 में सफल किया गया। इसके बाद जब गौरी एक तरह से इन सब क्षेत्रों को भारत के जीत लेता है, यानी पूरे उत्तर भारत पर गौरी का अधिकार हो जाता है, तो वो इन सब क्षेत्रों को दे करके अपने गुलाम ऐबक को, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को दे करके बहुत विश्वसनीय बन गया था कुतुबुद्दीन ऐबक इसका, गौरी का। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ये सारे क्षेत्र दे करके जब वो वापस जाता है, ऐबक को दिल्ली का जितना क्षेत्र था और लाहौर का जो क्षेत्र था वो दे करके वो वापस जा रहा था गजनी, और गजनी पहुंच भी नहीं पाया था कि धाम्यक नामक स्थान पर बैठकर ये एक तरह से नवाज पढ़ने लगा। और इस नवाज पढ़ते वक्त ही धाम्यक में ही गौरी की क्या कर दी गई, खोखरों द्वारा हत्या कर दी गई। एक एक शब्द पे कई बार प्रश्न पूछा गया है, कुछ भी भूलने वाला नहीं है। तो जब गौरी की खोखरों द्वारा हत्या कर दी गई, और यह हत्या की किस वर्ष गई थी याद रखना, 1206 में, 1206 में जब गौरी की हत्या कर दी गई, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली और लाहौर का इक्तेदार बना दिया गया। इसके बाद क्या था, फिर जब गौरी की हत्या हो गई तो उसकी गद्दी 3 भागों में बढ़ जाती है। ध्यान रखना, गौरी की मृत्यु के बाद गौरी की जो गद्दी थी वो 3 भागों में बट गई। और वो 3 भाग कौन से थे,
गौरी। गौरी की गद्दी तीन भागों में बट जाती है और वो तीन भाग आपको समझने। गौरी की गद्दी का पहला भाग जो मिला वो गजनी वाला क्षेत्र था, जो उसका पैतृक क्षेत्र था, जहां से उसने अपनी पूरी एक तरह से आक्रमण की आधारशिला शुरू की थी, वो गजनी का क्षेत्र मिला एक उसी के ही बड़े ही विश्वसनीय व्यक्ति यलदौज को। यलदौज को जब यह गद्दी मिली तो दूसरा भाग इसी के ही एक गुलाम नासिरुद्दीन कुबाचा को। नासिरुद्दीन कुबाचा नासिरुद्दीन जो कुबाचा था उसको उसका दूसरा क्षेत्र दिया गया। किसका दूसरा क्षेत्र दिया गया तो गौर से समझेंगे, यानी गौरी का दूसरा क्षेत्र जो बहुत ही प्रसिद्ध था, जिसे सिंध के नाम से जानते थे और सिंध के दो हिस्से हो चुके थे। कब हो चुके थे? अरब आक्रमणकारियों के समय, मुल्तान और उच्च, ये वो क्षेत्र थे जो वास्तव में गौरी ने सबसे पहले जीते थे। और ये जीते कब थे याद रखेंगे, 1175 में। तो इस जीते गए 1175 के क्षेत्र पर उसने नासिरुद्दीन कुबाचा को अपना एक उत्तराधिकारी बना दिया। आगे चल करके दिल्ली और लाहौर की जो गद्दी थी, आप सभी को बताया गया था कि ये ऐबक को वो दे देकर जा रहा था जैसे ही भारत से, उसकी रास्ते में हत्या कर दी जाती। तो जरा गौर से समझिएगा, जब गौरी दिल्ली और लाहौर की एक तरह से यात्रा पर आता था तो गजनी की गद्दी यलदौज को वो दे करके आता था, इसी तरह सिंध की गद्दी कुबाचा को, और जब दिल्ली से वो वापस जाता था तो ऐबक इसकी पूरी रियासत को देखता था। तो यानी गद्दी उसकी शुरुआत से ही तीन हिस्सों में बट गई थी। अब इसके बाद एक उसका गुलाम और बहुत ही फेमस था, जिसका नाम बख्तियार खिलजी था। आप सभी ने उसके अभियान को देखा था। इसके बाद बख्तियार खिलजी के बारे में कई सारी चीज़ें और थी, ज़रा समझ लीजिए बख्तियार खिलजी क्या था। ये आपको समझ में आ गया, ये आपको संभवतः समझ में आ गया होगा कि गौरी की गद्दी तीन भागों में उसकी मृत्यु के बाद बट जाती। बख्तियार खिलजी जब बंगाल अभियान पर गया तो उसके बाद उसके साथ एक घटना ऐसी घट गई जो वास्तव में उसके जीवन को ही समाप्त कर देती है। इसने बंगाल को जब जीता तो बंगाल के बाद उसने एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी? उसने बंगाल अभियान के बाद असोम पर भी अटैक कर दिया। असोम में वो अटैक जैसे ही करता है, असोम हमला करता है, यहीं पर भी बख्तियार की हत्या हो जाती है। तो याद रखना, बख्तियार की यहीं पर असम में हत्या कर दी जाती है। तो इस तरह बख्तियार का पूरा किस्सा जो था वो खत्म हो गया था। इसके पहले उसने जब बिहार पर हमला किया 1194 में, तो इस समय बिहार को तो उसने जीत लिया, साथ ही साथ उसने कई ऐसे घृणित कार्य किए जिस कारण इतिहास में उसको बहुत ही क्रूर व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। इसने बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ दिया, साथ ही साथ उसने विक्रमशिला और उड्डयनपुरी नाम के दो और विश्वविद्यालय जो थे, इनको भी वो क्या कर देता है? तोड़ देता है। आप सभी को पता है नालंदा वास्तव में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गुप्त राजा कुमार गुप्त द्वारा स्थापित किया गया था। इसके बारे में आप सभी जानते हैं। नालंदा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कुल 10,000 स्टूडेंट शिक्षा ग्रहण किया करते थे। इसमें इतनी बड़ी प्रांगण हुआ करता था कि इस समय भारत में इससे बड़ा प्रांगण किसी का नहीं होता था। जब याद रखेंगे ह्वेनसांग आया था इस स्कूल में शिक्षा लेने के लिए, नालंदा में शिक्षा लेने के लिए, तो इस समय इसका कुलपति पूछा गया है कि कुलपति कौन था नालंदा का, तो याद रखेंगे कुलपति शीलभद्र था। याद रखेंगे शीलभद्र नाम का एक कुलपति इसका था, और ये कहाँ से संबंधित था? ये बंगाल से संबंधित था। ये भी पूछा गया शीलभद्र कहाँ से संबंधित है, तो बंगाल से संबंधित है। तो कई सारी घटनाओं को आपने देख लिया। इसके बाद आपको याद रखना है कि जैसे ही
गौरी की हत्या होती है, उसकी गद्दी 3 भागों में बट जाती है और इसी के बाद से आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ना है। तो इसके गौरी के जो एक तरह से अभियान रहे उसको आपने देख लिया, गौरी की जो एक तरह से रूपरेखा रही, उसकी गद्दी किन हिस्सों में बटी उसको आपने देख लिया। तो अगली क्लास में अब आपको देखना क्या है, अगली क्लास में आपको देखना है कि कैसे दिल्ली सल्तनत स्थापित होती है, क्यों हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ते हैं, क्या है दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा, किन किन वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर राज किया, दिल्ली सल्तनत वास्तव में किस रूप में जानी गई, क्या उसकी उपलब्धियां रहीं, ये सब अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल गई, इनसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इनको आपको याद रखना है। ऐबक द्वारा कई सारी उपलब्धियाँ अर्जित की गई, इसके बाद इल्तुतमिश, इन सबको भी आपको देखना है। लेकिन ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, एक एक चीज़ लिखकर बताई गई, इसी तरह आपको याद भी करनी है, तैयार भी करनी है। अगर आप इतिहास में अपने आप को और अधिक पारंगत बनाना चाहते हैं तो शाम को 7 बजे जो लाइव बैच चलता है उनमें ये सारे प्रश्न प्रैक्टिस के तौर पर आते हैं, आप सभी को उसको भी ज्वाइन कर लेना चाहिए, यानी उस पर भी जा करके पढ़ना चाहिए। वो फ्री ऑफ कास्ट है, यानी जो बच्चे फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, जो बैच बच्चे अभी आधारशिला बैच से नहीं जुड़ पाए हैं, जिनके पास पैसों की प्रॉब्लम आ रही, वो उनको फ्री ऑफ कास्ट दिलाने के लिए, यानी बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शाम को 7 बजे एक बैच पढ़ाया जा रहा है जो प्रैक्टिस कराता है। इसमें सारी चीजें डीप से बताई जाती है, इसमें स्टोरी बताई जाती है, उसमें सिर्फ क्वेश्चन दिए जाते हैं और उन क्वेश्चन का सोल्यूशन बता दिया जाता है और ऑप्शन डिस्कस कर दिए जाते हैं। लेकिन इसमें आपको ज्वाइन करने से क्या फायदा, इसमें आपके बाकायदा एक तरह से नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ फाइल में आपको नोट्स मिलेंगे, हर घटना का पूरा जिक्र मिलेगा, इतिहास की एक क्रम वाइज पूरी विधिवत जानकारी मिलेगी। उसमें बीच बीच से जो प्रश्न आते हैं उन बीच बीच से प्रश्नों का डिस्कशन किया जाता है जो MPPCS के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इस तरह करके आपको ये क्लास तैयार करनी है। इसके बाद हम अगली क्लास को इसी के आगे कुतुबुद्दीन ऐबक यानी गुलाम वंश से शुरू करेंगे और दिल्ली सल्तनत को देखेंगे। तो इतना तैयार करके आइए, आप सभी को थैंक यू क्लास से जुड़ने के लिए, बेस्ट ऑफ लक।